जय श्री राम। दोस्तों मैं भगवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म पथ का क्या व्यू है अभी का, क्या क्या चीजें हैं, और जो अलग अलग बाहर से पौधे लाए गए थे, लगाए जा रहे थे, उसका भी अभी काम चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं और भी क्या अपडेट है धर्म पथ का अभी का, सारी चीजें दिखाएंगे वर्तमान में क्या चीजें हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग बहुत ही अच्छा, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। अभी हम बताते हैं कहाँ पे है, तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, सामने जो है लता मंगेशकर चौक है यहाँ पे। और अभी अगर आप लोग देखिएगा श्रद्धालुओं की भीड़ अभी और भी बढ़ जा रही है। पहले बीच में थोड़ा बहुत जो है नॉर्मल था, लेकिन फिर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, अभी देखिएगा ये धर्म पथ है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और सामने का अगर आप लोग व्यू देखिए तो ये सारे जितने भी सूर्यस्तंभ लगे थे आप लोग देख सकते हो। बीच में यहाँ पे देखिएगा जो ग्रास वगैरह लगाया गया था यहाँ पे सारा जो है वो सूख चुका है, क्योंकि बाहर से इसको लगाए थे। अब पानी वगैरह भी डाले थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगा। और यहाँ पे देखिए ये जो पौधे लगाए गए थे उसी टाइम पे लगाए जा रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी था, ये सारे जो है सूख चुके हैं। अब देखो अगर ये पहले लगते हैं नहीं लगते हैं, उसके बाद जो है इसको चेंज कर देना चाहिए यहाँ के जो देखने वाले हैं इसको, और बदल के जो है नए पौधे लगाने चाहिए। अभी देखेगा फिलहाल इस तरीके से भी यहाँ का ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए। उधर भी देखेगा तो श्रद्धालु जितने भी बाहर से आए हुए थे वो जो है विश्राम कर रहे हैं अभी जगह जगह पे बैठ के, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस है और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो लोग बैठ के जो है आराम करते हैं। देखिए इस साइड पर भी, इस साइड भी आप लोग देख सकते हो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से है। इधर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर जो है शौचालय वगैरह ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। इधर अभी देखिएगा तो ये स्थिति है, जितने भी फूल वगैरह लगाए गए थे देखिए सब जो है सूख चुके हैं फिलहाल। और ये स्थिति है अभी धर्म पथ की। इधर आप लोग देखेंगे तो अभी भी कंप्लीट नहीं है रामायणकालीन चित्र वगैरह ये चीज़ें। और यहाँ पर देखिएगा तो ये प्रभु श्री राम जी का कटआउट यहाँ पे रखा हुआ है, और ये शायद पहले कहीं और लगा था, अब जो है इसको यहाँ यहीं पर फिक्स कर दिए उठा के। इधर अगर आप लोग देखिएगा तो श्रद्धालु यहाँ से जो है जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए इस साइड से, क्योंकि आगे हाईवे है, मैंने कई बार बताया है, तो यहाँ से जो है श्रद्धालु आते हैं इसी तरीके से जो है रामलला का दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो ये रामायणकालीन चित्र भी लगाए जा रहे थे, भी देखिए ये कम्प्लीट ही नहीं हुआ है, इधर जो है बचा हुआ है अभी ये सारी चीज़ें। इधर भी अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए हैं, और हमें लगता है अभी काफ़ी टाइम लगेगा सारे कामों को जो है कंप्लीट होने के लिए। और फिलहाल अभी हम जो ये बीच में डिवाइडर एरिया इतना खाली है इसी पे हम चल रहे हैं, और यहाँ की स्थिति तो आप लोग देख ही सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी बाकी चलते हैं हम थोड़ा सा उधर उस साइड पर, उधर भी आपको दिखाते हैं क्या चीज़ें हैं किस तरीके से। तो फिलहाल यहाँ से हम निकलते हैं, और अभी देखिएगा इस तरीके से रोड भाई काफ़ी अच्छा बन चुका है ये सारी चीज़ें अभी देखिएगा, और इधर से निकलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इधर हम आ चुके हैं, और अभी यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों जो ये फूल वगैरह लगाए गए थे ये तो जो है हाल ही में लगाए गए यहाँ पे, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो लग चुके हैं और बाकी कुछ जो है सूख जा रहे हैं। देखिए ये है चीज़ें यहाँ की, और इधर भी जो है डेकोरेशन के लिए ये चीज़ें रखी गई थी, यहाँ पे भी पौधे वगैरह लगाए गए थे, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। तो ये जितने भी पौधे थे ये सब लग चुके हैं, देखिए ये लग गए हैं, पानी वगैरह डालते रहते हैं टाइम से, और देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सारे लग चुके हैं। ये है यहाँ का व्यू, और इधर भी देखिए कुछ सामान वगैरह ये देखिए लाए गए हैं, रखा हुआ है, देखिए यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ भी करना रहेगा फिलहाल इस तरीके से है। और इधर रामायणकालीन चित्र के लिए जो है इतना स्पेस वो खाली जो छोटा हुआ है। तो ये है कुछ दोस्तों धर्म पथ का व्यू अभी का, करंट में किस तरीके से अपडेट है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये सारी चीज़ें, देखिए यहाँ तक पेड़ पौधे लगाए गए थे, ये जो अलग अलग पौधे आए थे अलग अलग जगहों से वो लगे हैं, बोल सकते हो कि सूख ही गए हैं उस साइड के, इस साइड के तो कुछ लग भी रहे हैं जो इस बीच में लगाए गए थे यहाँ पे। बाकी आगे भी आपको दिखाएंगे क्या चीज़ें किस तरीके से है, तो फिलहाल तो ये है व्यू यहाँ का, बाकी चलते हैं आगे का भी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको उधर दिखा दूँ रामायणकालीन चित्र वगैरह आपको थोड़ा सा दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं, फिर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रामायणकालीन चित्र अभी भी कम्प्लीट नहीं है पूरा, इसमें भी लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें लगेंगी। और फिलहाल ये देखिएगा जब हनुमान जी माता सीता के पास गए थे वहाँ का ये दृश्य शायद है दिखाया जा रहा है, और ये चीज़ें आप लोग देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी काम चल ही रहा है, ये पूरा कंप्लीट करेंगे टाइम से, तो इस तरीके से है। और आगे तो अभी बना भी नहीं है, यानी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है इस धर्म पथ को पूरी तरीके से कम्प्लीट होने में। बाकी इधर भी देखिए पूरा स्पेस खाली हुआ है,
जो है उसे छूटा हुआ है, देखिए काम नहीं कर रहे हैं। बाकी इधर का भी ये चीज़ें हैं, आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे अपडेट है सब दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहे दोस्तों ये सारे सामान जो है रामायणकालीन चित्र के हैं, जो कि देखिए लाया गया है, इनको शेड में रखेंगे, जिसे सभी में जो है नंबर्स वगैरह पड़े रहते हैं, इसलिए उठा उठा के रखते हैं। जब पूरा कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद जो है उठा के फिक्स करेंगे ऐसे इस तरह से दीवारों पर। अभी देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए सारा जो है पैक होकर आया है सामान बाहर से और इस तरीके से निकाल रहे हैं देखिए। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कुछ नाइट का व्यू। मैंने सोचा थोड़ा सा दिन का व्यू आपको दिखाया जाए और साथ ही साथ एक ही वीडियो में नाइट का व्यू दिखाया जाए, ठीक है। तो मैंने लगभग आधा धर्मपथ का दिन का व्यू दिखाया, अब आधे से जो है नाइट का व्यू दिखा रहे हैं। तो नाइट में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा प्यारा धर्मपथ, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। एक बार आप अयोध्या ज़रूर आइए और यहाँ का आप लोग दृश्य देखिएगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, कसम से मैं कह रहा हूँ। फिलहाल दिखेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग तो बहुत ही सारी लाइटिंग वगैरह लगाई है, आपको नाइट में ऐसा नहीं लगेगा कि आप नाइट में हो, लेकिन इतना बेहतर बेहतर भाई लाइटिंग साथ साथ डेकोरेशन और रोड का साफ़ सफाई सारी चीज़ें आपको बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो अगर आप लोग अयोध्या आइए धर्मपथ पर एक बार ज़रूर आइए, टहल कर जाइए, बहुत ही अच्छा व्यू है, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन हाँ एक ही कमी है कि जो है पेड़ पौधे जो लगाए हुए थे वो सूख चुके हैं, इनको फिर से ध्यान देना चाहिए, फिर से जो है पौधे को लगाना चाहिए। बाकी चलिए देखिए रहे गवर्नमेंट क्या चीज़ें करती है। और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं राम घाट हाल्ट के पास, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ये है राम घाट हाल्ट। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो भी गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं वो जा रहे हैं फुटपाथ के ज़रिए। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ जो लोग हैं वो रोड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतना प्यारा सा अगर फुटपाथ बनाया गया तो आप लोग रोड पर क्यों पैदल चलते हो, आप लोग को फुटपाथ पर चलना चाहिए। जैसे देखिए हमारे लेफ्ट साइड पर कुछ लोग जो हैं वो फुटपाथ का यूज कर रहे हैं, तो फुटपाथ आप लोगों के लिए ही गवर्नमेंट बनाई है ताकि आप लोग उस पर ईजिली पैदल चलिए। इतने अच्छे से नेपाल से छोटे छोटे ईंट को ला के इतना अच्छा फुटपाथ बनाइए, फिर भी लोग यार पता नहीं क्यों इस रोड पर ही चलते हैं, जिस पे व्हीकल्स वगैरह के लिए रोड है उस पर ही चलते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप लोग आइए तो आप लोग जो है फुटपाथ का ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप लोग डेकोरेशन देखिए, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर ही ये सारे डेकोरेशन किए गए थे और आज भी वैसे ही डेकोरेशन बने हुए हैं, वैसे ही सारे डेकोरेशन है, कुछ भी निकाला नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिएगा लेफ्ट साइड पर जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं फुटपाथ से जरिए, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए हम जैसे लोगों को, अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो किस चीज़ पे क्या गवर्नमेंट किस पर्पस से बनाई है वो चीज़ों को हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नज़ारा है धर्मपथ का जो मैं दिखा रहा हूँ। और हाँ अभी मैं बोल सकता हूँ कि 90% ही काम धर्मपथ का कंप्लीट हुआ, क्योंकि अभी बहुत ही जगह ऐसे है जहाँ पर रामायणकालीन चित्र नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जब वो सारी चीज़ें लगेगी तो एक और अच्छी जो है खूबसूरती निखर के आने वाली है धर्मपथ का। तो अभी ये ना सोचिए कि धर्मपथ बन के कम्प्लीट हो चुका, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा और इसका और भी बेहतर व्यू बनाया जाएगा अभी जो है भी, और इसको अच्छा बनाया जाएगा। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं जो है लास्ट में छोर पे धर्मपथ के, और यहाँ का आप लोग व्यू देखिएगा तो जितने भी 20 सूर्यस्तंभ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो कुछ इस तरीके से हैं, सभी सूर्यस्तंभ ऑन हो चुके हैं और इस तरीके से आपको कुछ व्यू दिखाई देगा। आज का मौसम भी बहुत लाजवाब है, स्काई टोन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो कुछ पीछे का व्यू देखिए इस तरीके से है और यहाँ से हम चलते हैं। तो कुछ यही था धर्मपथ, यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई क्या चीज़ें कैसे हैं। ऊपर आपको सूर्य नारायण देव जी की भी जो है तस्वीरें लगा चुकी हैं, लग गई है पूरा सात घोड़ों के साथ, मैंने भी आपको दिखाया था चीज़ें। तो यहीं तक जो है वो धर्मपथ है और इसके बाद आप हाईवे पर पहुँच जाओगे। तो ये था कुछ धर्मपथ का अपडेट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।